वजह से लैंडस्लाइड हो गया। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में अब तक 2 बच्चों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हो गई और इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। सूत्रों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बड़ा हादसा केरल के वायनाड में, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 2 बजे करीब लैंडस्लाइड हो जाता है। बताया जाता है कि मलबे के अंदर 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं और उसके ठीक बाद एक बार और करीब 4:10 पर फिर से लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे स्थिति वहां पर और खराब हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली, अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 100 लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। और वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात की है और केंद्र सरकार हर संभव मदद का भरोसा दी है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया। मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है और साथ ही साथ केरल के सीएम से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए का मुआवजा का ऐलान, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पीएम मोदी का आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री से और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।